हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गुलाल मूवी को लेके। हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि हजार साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। अब भाई गुलाल मूवी तो ना हम सभी ने देखी हुई। आप जिन लोगों ने नहीं देखी हो ना, तो एक बार इस मूवी को मैं बोलूंगा मत ही देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। देखो भाई, मूवी है ना नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है मूवी के अंदर। और इस मूवी में ना कॉलेज की पॉलिटिक्स दिखाई हुई है, डार्क पॉलिटिक्स। कॉलेज का जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसे चुनने के लिए उसके पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसके ऊपर ही मूवी है। लेकिन यहाँ तक ना मूवी सही चलती है। लेकिन इस मूवी के अंदर मुझे पता क्या गलत लगा, राजपूती लोगों की इन्वॉल्वमेंट। आप बोलेंगे कि भाई आपको राजपूती से क्या दिक्कत है, मेरे को कोई राजपूती लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत लोगों को इस मूवी के अंदर शो कराया ना, उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे चलता रहा तो गंतव्य तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे, तब तक हमारी क्रांति दबी रहेगी जमीन में, सुसेफ सुरक्षित। इस मूवी के अंदर जो राजपूत लोग है ना, वो अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए ना मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, रेगिंग करते हैं। और इस मूवी के अंदर है ना एक पूरी की पूरी राजपूती सेना को दिखाया गया। मूवी के भाई गाने मतलब ये वाला नहीं, ये वाला प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जन। जब मैंने गाना सुना था ना, तो मैंने इस मूवी को जाके देखा। और ये मूवी जब मैं देख रहा था ना, धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। इस मूवी के भाई डायलॉग्स, एक एक डायलॉग ऐसे हैं जो मतलब दिल चीर देते हैं भाई। मतलब मेरे पुरखों ने खून बहाया है धरती के लिए, बलिदान दिया है भैंस साले, तू मुझे मेरी क्रांति सिखाएगा, पढ़ना है ना इतिहास पढ़। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं के साथ थोड़ी सी गद्दारी हुई है इस देश के पार्टीशन के बाद। और इस देश के अंदर से ये प्रजातंत्र आया है ना, हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ है। उन्होंने पैसे मांगे, हमने अपना खजाना खाली कर दिया। वन इंडिया, एक भारत के लिए, कहां है ये एक भारत? जोधपुर के महाराजा ने वल्लभ भाई के सेक्रेटरी के सर पे बंदूक रख के कहा था, देख जोधपुर की मेरी प्रजा से गद्दारी मत करना। इन लोगों ने सबके साथ गद्दारी की। लेकिन इस मूवी में ना हिंदू मेंशन नहीं है, राजपूत मेंशन है। इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि जो राजपूती लोग हैं वो कितना ज्यादा कास्टिज्म करते हैं, कितना ज्यादा अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला करते हैं। राजपूत है जी। इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया गया कि अगर आप राजपूत हो तो कौन से वाले, असली वाले नकली वाले, ये तक दिखाया गया। असली राजपूत है कि गोला है। इस मूवी के अंदर एक राजपूती सेना है, उस सेना का जो सेनापति है डुकी बना। जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा था ना इस मूवी के अंदर, मेरा जो था ना इस कैरेक्टर के प्रति प्रेम वो ऐसा था। लेकिन मूवी जैसे जैसे बढ़ती गई आगे, कैरेक्टर से प्रेम ऐसे ऐसे घटता गया। इस मूवी के अंदर जो राजपूती सेना का जो सेनापति डुकी बना, वो बात कर रहे हैं भारत से अपना एक राजपूताना मांगने की। यानी कि तुम एक तरीके से मान सकते हो गजवा हिंद। बॉलीवुड ने ना कभी हमें गजवा हिंद जैसे टॉपिक पे ना कोई मूवी दी ही नहीं है। उन्होंने क्या करा है, गुलाल मूवी, जिसमें क्या कर रहे हैं, राजपूत लोग जो है वो अपना हक मांग रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से, यानी कि एक राजपूताना मांग रहे हैं। तो इस मूवी के अंदर ना यही लड़ाई है। मतलब पॉलिटिक्स तो एक तरफा है, लेकिन लड़ाई मेन है राजपूताना को लेके। जो राजपूत लोग है वो अपना राजपूताना मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, लड़के छीन के जैसे भी मतलब उनके बने साम दम दंड भेद लगा के उन्हें अपना राजपूताना चाहिए। अगर इन्हें राजपूत ना दिखा के एज अ हिंदू शो करते और अपना एक हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, मैं उसको सपोर्ट करता। तू किसके लिए मरेगा, राजपूत कहता है अपने पलटन के लिए। पलटन किसकी, राजपूताना की। राजपूताना किसका, भारत का। और ये भारत क्या करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये एक तरीके से ना जो है ना कास्ट वाला सीन है कि सिर्फ राजपूत लोग राजपूताना मांग रहे हैं, वो चीज मेरे को थोड़ी सी ना खराब लगी। ये चीज है ना यहाँ भी ठीक है, दिक्कत पता कहाँ आती है, जब इस डुकी बना कैरेक्टर को एक कैरेक्टरलेस आदमी दिखाया जाता है। इन्होंने शो करा जितने भी राजपूत लोग हैं, राजपूती सेना है, राजपूती सेना का एक सेनापति है, ये इन्हें एक तरीके से गलत दिखाया गया। इस मूवी के अंदर कई सारे राजा वो डोनेट करते अपना पैसा इस राजपूती सेना के अंदर, और सेना का काम है कि अपना राजपूताना अलग कर रहे हैं भारत के, यानी कि एक तरीके से टुकड़े ही मान लो। इस मूवी में जो डुकी बना उसकी ऑलरेडी एक बीवी है और उसका चक्कर चल रहा है बाहर, किसी जो नाचने वाली जो होती है औरत उसके साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने मूवी देखी ना, तो मेरे को ना ऐसा लगा कि भाई हाँ क्या मस्त मूवी बनाई है। लेकिन धीरे 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 जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो मेरे को लगा कि यार ये क्या मतलब, ये मतलब ठीक है, मतलब इस मूवी के डायलॉग, इस मूवी का जो एक पर्सपेक्टिव था ना शो करने का, मतलब वो राजपूत से हटके अगर एक हिंदू होता, वो हिंदू अपनी एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे होते, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्वेडर्स थे उनको इतने सारे इस कंट्री ने देश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश, तो हिंदुओं के लिए क्यों कुछ नहीं, हिंदू को क्या ये सेक्युलरिज्म के अंदर तुमने डाल रखा है, हिंदू को भी उनका एक देश दो। लेकिन इस मूवी ने उनको हिंदुओं से हटा के राजपूत तक रखा, पूरा राजपूत को भाई पूरी जो इमेज थी उसको गिराने की कोशिश करी गई राजपूत लोगों की। इस मूवी में जो राजपूती जो कैरेक्टर है सेनापति, उसको पूरा का पूरा भाई कैरेक्टरलेस दिखाया गया, तो वो भी नहीं होता तो मैं इस मूवी को सपोर्ट करता। लेकिन वही है ना कि हिंदुओं को ही बदनाम करो, सारी चीज हिंदुओं के करो, तो वही सब था। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं ऐसी कुछ मूवीज देखता हूँ जिनमें हिंदुओं के बारे में ना उल्टा सीधा दिखाया गया, लेकिन हम वो चीज ना इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना के लेकर आऊंगा। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।
और अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो एक साथ एक आवाज में बोलिए, वीर भोगे वसुंधरा।